माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे आइडिया का जो इंटरनेट की स्पीड है 4G की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी मीन्स कभी कभी नेटवर्क नहीं मिलता है, कभी कभी 3G का नेटवर्क दिखाता है, तो हम एक सेटिंग कर सकते हैं। इस सेटिंग से ये जो स्पीड है आइडिया की 4G की थोड़ी बढ़ जाएगी, तो वही मैं बताने वाला हूँ और बाद में नेटवर्क के इश्यूज़ नहीं आएंगे। और अगर आप रोमिंग में भी जाते हो तो ये आपको इजीली मीन्स काम आने वाली है। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो है ये मोबाइल डेटा बंद कर देना होगा। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, उसके अंदर आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर, उसके अंदर आइडिया में जो आपका सिम है वो, और जो आपको प्रीफर्ड जो यहाँ पे नेटवर्क टाइप रखना है वो 4G रखना है। उसके बाद जो LTE ही रहता है, NNS 4G LTE, वो ऑन कर लेना है अगर आपका बंद है तो। उसके बाद आपको मेन जो चीज़ करनी है वो एक्सेस पॉइंट में जाना है। एक्सेस पॉइंट में जाने के बाद जो आपका आएगा सबसे पहले आइडिया डेटा, उसके अंदर आपको जाना है, उसको क्लिक करना है। उसके अंदर जो नेम आएगा वो नेम एज बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं या आइडिया लिख सकते हैं। APN जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, सीधा आप नीचे आ जाइए और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो रहने दीजिए। आपको आना है इसके अंदर APN प्रोटोकॉल, इसके अंदर अगर आपका जो APN प्रोटोकॉल है वो IP4 है तो आपको करना है IP4 एंड IP6। ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है। और नीचे जो APN रोमिंग प्रोटोकॉल है वो भी थर्ड नंबर पे आपको सेट करना है। और उसके बाद जो बियरर आएगा इसके अंदर अगर आपकी खाली अनस्पेसिफाइड टिक है तो आपको वो टिक निकाल कर ये जो भी दूसरी GPS HSUPA HSA LTE सारी को टिक कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो ये सारी टिक करना है। और मोनोटाइप जो है वो आप नन ही रखिए। उसके बाद आपको सेव कर लेना है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सेव होने के बाद आप इंटरनेट चेक कर सकते हैं, आपकी स्पीड पहले से कई गुना बढ़ गई होगी। ये देखें, मेरा भी मीन्स पहले काफ़ी दिक्कत आती थी, 4G के बदले 3G कभी आ जाता था, कभी 2G भी आ जाता था, लेकिन अभी ये दिक्कत आती नहीं है क्योंकि मैंने ये सेटिंग चेंज कर दी है। तो काफ़ी मीन्स फ़र्क गिरा है इंटरनेट की स्पीड में। तो आज मुझे इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए, थैंक यू।